गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है भाषा, वर्ण और लिपि। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज, लेटर एंड स्क्रिप्ट। तो हम सबसे पहले अब जानते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अब जानते हैं हम भाषा वास्तव में होता क्या है। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो मैं अपने मन के पूरे विचार आपके सामने प्रकट कर रही हूं। मैं आपको भाषा से रिलेटेड सब बता रही हूं ना, तो उसके लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या जिस भी चीज़ का मैं यूज़ कर रही हूं उसी को तो हम भाषा कहते हैं। वैसी जब हम खुश होते हैं तो बहुत खुश होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो वो चिल्लाना भी क्या भाषा है। जब हम रोते हैं तो रोते रोते हम बोलते हैं, वो भी क्या है? भाषा है। हम चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी स्थिति में जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में जाना जाए तो भाषा के माध्यम से हम दूसरे के मन के भाव या विचारों को समझते हैं एवं अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग को ये समझ आया ना? अपने मन के भावों को या आप जो सोच रहे हो दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को स्वयं समझना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो अंग्रेजी है, जापानी है, रूसी है, आदि बहुत सारी लैंग्वेजेज जो संसार में बोली जाती है। बट हमारे इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना जो बोली जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो हिंदी आता है, फिर गुजराती है, बंगाली है, संस्कृत है, असमिया है, उड़िया है, तमिल है, और हम छत्तीसगढ़ में रहते तो कौन सी भाषा चलती है? छत्तीसगढ़िया। वैसी क्या है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं हैं और ये भाषाएं ही हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन होती है। बट आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि भाषा क्या है या भाषा को परिभाषित करो, तो उसे सिंपल शब्दों में लिख देना, अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट भाषा के रूप। भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होता है? अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे मैं अभी भाषा से रिलेटेड ही आप लोगों को बोले जा रही हूँ, तो मैं तो आपको बोलकर बता रही हूँ ना, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जो मुँह से बोला जाए वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, भाषण आदि। रेडियो में से हम गाना सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, ये सब हमको सुनाई देता है। वैसे ही टेलीविज़न में भी हम गाना सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं और भाषण, नेता देखे हो ना भाषण देते हैं और हम उनको सुनते हैं, ये सभी क्या मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब सेकेंड आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा क्या है? अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना ही लिखित भाषा कहलाता है। जैसे मैं आपको नोट्स बनाकर भेजती हूँ, तो वो क्या मैं लिखकर बनाकर भेज रही हूँ ना, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अगर इसके एग्जांपल देखा जाए तो पत्र, समाचार पत्र, कहानी, पुस्तक आदि। जैसे हम लोग अभी तो मोबाइल चलता है, बट पहले तो लेटर ही चलता था ना। पत्र हम लोग न्यूज़ के लिए यूज़ करते थे और समाचार पत्र आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो उसमें तो बहुत सारे न्यूज़ दिए रहते हैं, वो सब लिखित भाषा में होते हैं। वैसे कहानियाँ, कहानियों के बुक देखे हो, हम भी उसको पढ़ते हैं, पहले भी बहुत सारे आती थी, अभी भी आती हैं। वैसी पुस्तकें, जैसे आप अभी हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, वो सब कौन सी भाषा में है? वो सभी क्या लिखित भाषा में लिखी गई है। अब तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या होता है? जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या जो बोल नहीं सकते अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है या सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं।
छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको इशारों इशारों में सब कुछ सिखाते हैं ना, या वो अपने इशारों में अपनी बात बताते हैं ना, उसी तरीके से जो बोल नहीं पाते उनके लिए भी इशारों के क्लासेस होते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। और वो हम अपनी बातों को हमको इशारों के थ्रू ही बताते हैं, है ना। अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो इसका सबसे सही और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक आप जो देखे हो बीच रोड पे खड़े होके ट्रैफिक को अपने हाथों के थ्रू ही इशारों इशारों में बता के पूरे ट्रैफिक को क्लियर करते हैं, वो सब किसके एग्ज़ाम्पल है, वो सब क्या है, संकेतिक भाषा के एग्ज़ाम्पल होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था भाषा, वर्ण और लिपि, जिसमें से मैंने आपको भाषा समझा दिया, अब नेक्स्ट क्लास में वर्ण और लिपि होगा, ओके। मैंने अभी जो आपको भाषा पढ़ाया है मैं उससे भाषा से रिलेटेड ही आपको होमवर्क दी हूँ। पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए या लिखिए। और दूसरा है भाषा कितने प्रकार के होते हैं और विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। यह आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट करके आप ग्रुप में सेंड कर देना, ओके, थैंक यू।